कांस्टेबल 2012 में पूछा गया प्रश्न है, सही क्रम संबंधित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्या दिया गया, शब्द, पैराग्राफ, वाक्य और अक्षर। तो थोड़ा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। अक्षर क्या होता है? अक्षर जैसे आपका हो गया आ लिख दिया, मैंने का लिख दिया, बा लिख दिया, ये क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएंगे। ठीक, अब अक्षर सोचो, सबसे पहले क्या आएगा आपका? अक्षर हो जाएगा। कौन से नंबर का चौथा है ना, तो चौथा पहले में हो जाएगा। अब अक्षरों से मिलकर क्या बनते हैं शब्द? कैसे, ये देखिए, जैसे का और ये बा है, ठीक है ना, ये अक्षर थे। अब इनको मैंने जोड़ के बना दिया का, ये क्या हो गया? शब्द हो गया, मतलब इससे कोई अर्थ निकला। अब इसी पे शब्दों को मिलकर क्या बनेगा? वाक्य बनाएगा। जैसे राम विद्यालय जाता है। तो देखिए, यह शब्दों से मिलकर क्या बन गया? वाक्य मिल गया। अच्छा, बहुत से वाक्य मिलाकर क्या बनाएंगे? पैराग्राफ बनाएंगे। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा आपका? एक तो पहले आ जाएगा अच्छा, ठीक, अक्षर से बन जाएगा आपका शब्द, ये पहले नंबर पर आ जाएगा। फिर शब्द से बनेगा वाक्य, ये तीसरा, और चौथे में आ जाएगा आपका पैराग्राफ, मतलब दूसरा वाला चौथे में जाएगा। ये होगा इसके सही क्रम, अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से पैराग्राफ। मतलब वाक्य बहुत सारे वाक्य में, जैसे आप इस तरीके लिखा, फिर ये नीचे लिखने तो क्या जाएगा? पैराग्राफ या अनुच्छेद बोल देते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आप ऑप्शन को ध्यान से देखना है। जैसे बोला चाबी, दरवाजा, ताला, कमरा और पंखा चलाना। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता? चाबी चाहिए होता, पहले चाबी आ जाएगी। ठीक, चाबी किस में लगाइए? ताला में। तो ताला तीसरे नंबर में आ गया, पहला दूसरा क्या होगा? ताला। फिर अब ताला कहाँ लिखा? दरवाजे में। फिर दरवाजा कर दिए। ठीक, अब दरवाजा है कहाँ? कमरे में है ना, तो कमरे में लगाएंगे। फिर चौथा हो जाएगा, और जब कमरे के अंदर एंटर करेंगे तब ना पंखा चालू करेंगे, तो यहाँ कर जाएगा पांचवा। ये सही क्रम है। तो जल्दबाजी नहीं करना, सबसे पहले आपको ऑप्शन को ध्यान से देखना है, फिर उसके अनुसार क्रम भाई आप लेते चल जाए। इस पर वीडियो देखेंगे। तो व्यवस्थित क्रम इसमें भी जब आ रहा है, शशि जी में पूछा गया है 2015 में क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको क्या है क्वेश्चन में दिया गया है? बालक है, व्यवसाय है, विवाह है, शिशु है और शिक्षा। तो सबसे पहले वो शिशु अवस्था में रहता है, तो शिशु पहले आ जाएगा, चौथा नंबर पहले हो जाएगा। शिशु फिर किस में आ जाएगा? बालक। फिर बालक के बाद क्या है? शिक्षा ग्रहण करेगा। जब वह शिक्षा ग्रहण करेगा तब व्यवसाय करेगा ना। फिर व्यवसाय के बाद फिर क्या आ जाएगा आपका? विवाह। ये सही क्रम है। ठीक, पहले शिशु, शिशु से बालक, फिर बालक के बाद क्या? शिक्षा ग्रहण करेगा, शिक्षा ग्रहण करने के बाद व्यवसाय करेगा, फिर जाके अंतिम में विवाह। ये सही क्रम है। इस पर वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक।